एंड कैपिटल एलोकेशन लाइन की कैपिटल एलोकेशन लाइन मार्केट लाइन इज दैट इज टू मेजर द रिस्क रिलेटेड टू सिक्योरिटीज रिलेशनशिप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिस्की एज वेल एज रिस्क फ्री एसे यहाँ पे एक चेंज जो बात आ रही है कि रिस्की की सिर्फ बात नहीं हम कर रहे रिस्की और रिस्क फ्री की जब कॉम्बिनेशन की बात आ रही है दैट इज कैल और द सी एम एल लाइन एंड ऑल्सो नोन एज रिवॉर्ड टू वेरेबिलिटी रेशो के जो हमने वेरेबिलिटी लिया उस पर हमें क्या रिवॉर्ड कैप्चर हो रहा है इट हेल्प्स इन्वेस्टर चूज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्की एंड रिस्क फ्री के हमें कितना किस जगह पे इन्वेस्ट करना है रिस्की में और कितना रिस्क फ्री में तो दैट विल बी गाइडिंग पॉइंट फॉर द इन्वेस्टर्स डिटर्मिन मिल सकता है एवरी इनवेस्टर विच टू अर्न मैक्न एट मिनिम रिस्कल रूल है इश्यू हाउ मच टू एलोकेट टू रिस्क अब मेन क्वेश्चन क्या आता है रिस्की में, में कितना डालू रिस्क फ्री में कितना डालूं? The aim is इज optimize return while keeping द risk at अ lowest level. तो मकसद जो है ऑप्टिमल की चीज की तरफ जाना है कि एक हमारे लिए जो बेस्ट लिंक बने या बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाए द कैपिटल एलोकेशन लाइन हेल्प्स इन्वेस्टर डिटरमाइन दिस एलोकेशन परसेंट कितनी परसेंटेज हमें करनी है वो एलोकेशन हमें ये लाइन जो है हमें हेल्प आउट करी होती इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑप्टिमल मिक्स मिक्स के दोनों का कितना मिक्स हो और एक रिस्क लेवल्स पे क्या हम अचीव कर सकते हम्म रिस्की एंड रिस्क फ्री एसिड्स रिस्क फ्री एसिड्स आर दोज विच डू नॉट कंटेन एली एनी एलिमेंट ऑफ रिस्क यानी कि कोई रिस्क उनमें एलिमेंट नहीं है इट मीन्स कि वो रिटर्न गारंटिड है और उसमें जो वेरेबिलिटी पार्ट नहीं है तो इसका मतलब है जब ये सिचुएशन होगी तो रिटर्न लेवल वैसे भी बड़े लो ही होंगे क्योंकि उनकी नेचर ऐसी है तो फिर जब आप रिस्क नहीं ले रहे तो यूल गेट अ वेरी लोअर साइड और मिनिमम बेंचमार्क रिटर्न एग्जाम्पल्स मेनली जो है ये गवर्नमेंट ट्रेरीज जो है ना दर्ट इज रेफर टू एज रिस्क फ्री एसिड इसमें टी बिल्स लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिपॉजिट्स बैक बाय गवर्नमेंट यानी कि जहाँ पे स्टेट या सोवरन पार्ट आ जाएगा दैट इज कंसिडर टू बी द रिस्क फ्री पार्ट और रिस्की के लिए तो फिर द होल वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देअर जिसमें प्राइवेट इक्विटी है डेट हैं ऑप्शन हैं स्टॉक्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आर देअर

कि हाउ दैट इज बीइंग कैप्चरिंग इन आर रिस्क ऑफ द होल पोर्टफोलियो बिकॉज नॉर्मली जो रिस्क फ्री है उसमें तो वॉलिटिलिटी है ही नहीं तो वो कॉम्पोनेंट तो ऑलरेडी कैप्चर्ड है तो रिस्की का जितना है उसको हमारे में कितना इम्पैक्ट आएगा दैट इज बी इंगेज इन दिस कॉम्पोनेंट वेट्स ऑफ एसिड इन पोर्टफोलियो के हमने कितना पार्ट रिस्की में डाला है कितना पार्ट रिस्क फ्री में डाला है वेट्स की असाइनमेंट हमें उसमें हेल्प करती है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो टेकिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रिस्की एसेट्स टेन परसेंट है और हमने उसमें कितना वेट डाला है रिस्क फ्री का टू है तो हमने उसमें कितना वेट डाला है तो वेट्स मल्टीप्लाई बाय रिटर्न उनको फिर हम सम कर देते हैं दैट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन ऑफ क्याल एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा हमने अगर निकालना है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रिस्की एसेट मल्टीप्लाई बाय इट्स वेट वन माइनस डब्ल्यू यानी कि अगर इसमें इधर हमने सेवनटी डाला है तो उधर कितना होगा वेट यू कैन ऑलरेडी नो वन माइनस पॉइंट सेवन तो इस सिंपल उसको फॉर्मूला में वन माइनस डब्ल्यू से टनोट तो कर दिया हमने तो दिस वे विल गेट द एक्सपेक्टेड जो है हमारा रिटर्न फॉर एनी पोर्टफोलियो सिमिलरली द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला के हमें स्टैंड एविएशन ऑफ रिस्की एसिड मल्टीप्लाई बाय वेट सिर्फ यही क्यों लेंगे क्योंकि जो दूसरा कॉम्पोनेंट है उसमें तो रिस्क है ही नहीं जब जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट अरह पोर्टफोलियो के केस में हमारे पास फिर सिर्फ इंडिविजुअल जो रिस्की वाला पोर्टफोलियो है उसका पार्ट यहाँ पे प्ले करेगा हमारे पूरे पोर्टफोलियो को रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए सब्सिट्यूटिंग द सेकेंड फॉर्मूला इन द फर्स्ट वी अराइव दैट कि हमारे पास रिस्क फ्री प्लस उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिस दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैल कि कैल cal की कैलकुलेशन में हमें ये हम यहाँ से यूज कर लेते हैं एंड दैट इज हाउ इट इज बींग रिफ्लेक्टेड ये हमारी इसकी हम थोड़ी सी इस पर फर्दर बात भी करेंगे अभी इसको हम थोड़ा ग्राफिकली भी देखते हैं कि हाउ इट्स बींग शोन तो ये अब आपने देखा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है आर एफ आर एफ में बिल्कुल लाइन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि उस पर स्टैंडर्ड एवियेशन या रिस्क बिल्कुल है ही नहीं जीरो है फिर जब वो जैसे जैसे आप रिस्क आपका बढ़ता जाएगा तो रिस्क बढ़ता जा रहा है इधर से तो आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न वो बिल्ड होता जाता है तो ये जो लाइन है ये दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फैक्टर और ये हमारा जो डिफरेंस है इन दोनों में रिस्क फ्री में और इसमें दैट इज द रिस्क प्रीमियम फॉर टेकिंग द एक्स्ट्रा रिस्क तो कैल जो है हमारी ये कैप्चर कर रही है कि मुझे जब मैं रिस्क लूंगा तो मुझे रिस्की एसेट्स में तो वेयर आई विल बी स्टैंडिंग तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कैल की विल स्पेंड लिटिल मोर टाइम इन इट इन अपकमिंग मॉड्यूल थैंक यू